पर काबू रखे। कारोबारी गोपनीयता को भंग न हो इस बात का ध्यान दे। दुर्व्यवसन और बुरी आदतों से बचे। साझेदारी और कर्मचारियों पर पैनी नगर नजर रखे और कोर्ट कचहरी के मसलों से कोसों दूर रहे तो आने वाला समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। नमोना रहे। 9 जनवरी 2016 को शनि अमावस्या महोत्सव में श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी आने वाले शनि भक्त पुरानी दिल्ली अथवा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो की सुविधा का लाभ उठाएं। मेट्रो ट्रेन से श्रद्धालु कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन अथवा छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बस टैक्सी ऑटो या किसी अन्य वाहन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी आएं। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम की दूरी 6.5 किलोमीटर है जबकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मात्र 4.5 किलोमीटर है। समस्त शनि भक्तों हेतु छतरपुर मेट्रो स्टेशन से श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी तक के लिए 9 जनवरी 2016 को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध होगी। 9 जनवरी 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन दर्शन तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। पधारिए श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और NCR को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में आने के लिए। आप सभी NCR के सभी लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनि धाम आ सकते, दर्शन करके पुनः जा सकते। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐ सद्गुरु मेरे नजरों को कुछ ऐसी खुदाई दे जिधर भी देखूं तू ही तू दिखाई दे। नमो नारायण गुरु जी। जितनी बार भी हम आपको नमो नारायण करते हैं और आप जवाब में हमें नमो नारायण कहते हैं ऐसा लगता है आपने एक बार फिर से हमें आशीष दे दिया। आप जब प्यार से नमो नारायण बोलते हैं ऐसा लगता है आपने हमें सब कुछ दे दिया। आपने हमें अपनी 28 वर्षों की तपस्या भी दे दी, आपने अपना अनुभव दे दिया, आपने अपना प्रेम अपना सानिध्य सब कुछ हम पर लुटा दिया। दाती जी महाराज अब आपसे जानना ये चाहूंगी कि धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय किस प्रकार से रहेगा, इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए भी 2016 किस प्रकार का बीतेगा। जी महाराज जी, वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए 2016 मंगलमय हो। देवाधिदेव शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि को भी सारे साथी को लेकर बहुत भयभीत किया गया है, ले मेरी सलाह है यदि थोड़ा बहुत भी इस फकीर पे ये राष्ट्र विश्वास करता है तो तुला वृश्चिक धनु ये तीन राशियां हैं, इसको साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। और मेष और सिंह राशि को, इन पांचों राशियों का जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर यही है। सिंह और मेष को ढैया है और तुला वृश्चिक धनु को साढ़े साथी है, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। बस कर्म सुधारो, निजगत कर्मों में सुधार करते हुए देवाधिदेव शनिदेव की आराधना करो, सारी सफलताएं मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों आपको तो सारे साथी से भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, भगवान शनिदेव की कृपा से रुके हुए सभी कार्य बनेंगे, लाभ मिलेगा, सफलता हासिल होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु वर्ष के प्रारंभ में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव और मंगल देव अनुकूल फल प्राप्त नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि राशि अधिपति मंगल देव वर्ष प्रारंभ में तुला राशि में 12वें भाव से गोचर कर रहा है। साथ ही बृहस्पति 8 जनवरी से लेकर 8 मई सिंह राशि में वक्री होने के कारण कैरियर कारोबार में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, परेशानी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, पहले 4 कदम चलना पड़ा, थोड़ा 5 कदम चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना 9 मई 2016 के बाद का समय सफलताओं से भरा रहेगा। 12 जुलाई को राशि अधिपति मंगलदेव आपकी स्वयं की राशि से गोचर करेंगे
और बृहस्पति देव, शनि देव, मंगल देव की कृपा से आय के साधनों में वृद्धि होगी, कारोबार की स्थिति मजबूत होगी, कारोबार और व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में विस्तार और तरक्की के सुअवसर प्राप्त होंगे, देश विदेश से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष 2016 आपके लिए ठीक रहेगा। छोटी मोटी बीमारी सबको ही रहती, मुझे भी होती है भाई, परंतु कोई बड़ी कोई बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही। पारिवारिक दृष्टिकोण से 2016 प्रसन्नता से भरा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सुख साथ प्राप्त होगा। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्य मिलजुल के रहेंगे। संतान पक्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए 2016 शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ और अनुकूल रहेगा। तो पुनः याद दिलाना चाहता हूं वृश्चिक राशि वालों, 2016 कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सावधानी, भरम भय और भ्रांति नुकसान देगी। बिना वजह की जो तुम आपकी आदत है ना संशय करने की, ये आपको नुकसान दे सकती है। संपूर्ण सफलताओं के बावजूद भी जीवन साथी के साथ कोई विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। भूमि भवन के सौदों में बुजुर्गों की सलाह लें, व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़े। क्षणिक लाभ के लिए अपनों के साथ धोखा नहीं करें, अपनों के प्रति बैर भाव नहीं रखें। 2016 वृश्चिक राशि वालों, बदले की भावना आपको कष्ट दे सकती और कहीं कोई परेशानी आपको न जाए। पूरे वर्ष प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पित करें। पुनः एक बार सभी को याद दिलाना चाहता हूं, साढ़े साथी के नाम से वृश्चिक राशि को भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और एक बात याद दिलाना चाहता हूं भाई, 9 जनवरी मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव का अद्भुत दिन है। शनि अमावस्या मस्त हो। संपूर्ण राष्ट्र और NCR और दिल्ली के सभी लोगों को मैं दाती महाराज अपने आराध्य के इस अद्भुत तपोभूमि श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में सादर आमंत्रित कर रहा हूं। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, जीवन में संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और इस बार छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने के लिए और शनिधाम से छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए निःशुल्क बस व्यवस्था है। पधारिए श्री शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन, आपका कल्याण होगा। नमोनारायण। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातक जातिकाओं के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना, उनकी श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनराशि वाले जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2016 8 जनवरी से लेकर 9 मई थोड़ा सा प्रतिकूल है। राशि अधिपति देवाधिदेव बृहस्पति देव इस समय वक्री अवस्था में रहेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, व्यवसाय में सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। कारोबार में थोड़ी सी लाभ की कमी आएगी और अनावश्यक कारोबारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती, लेन देन के मसले अटक सकते हैं, नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, देवाधिदेव शनिदेव इन संपूर्ण समस्याओं से आपको बाहर करेंगे, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन 9 मई के बाद समय शकुन और शांति और सफलताओं से भरा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति देव और शनिदेव पूरे वर्ष अनुकूल और लाभदायक सुफल देते रहेंगे। व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे, व्यवसाय में अनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी, अनावश्यक व्यवसायिक परेशानी से पीछा छूटेगा, पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति होगी, मन अनुकूल कैरियर और कारोबार में सफलता के संकेत नजर आ रहे, व्यापार में धन लाभ और बढ़ोतरी होगी। इस समय किया गया पुण्य अनुकूल रहेगा। 25 मार्च से लेकर 13 अगस्त के मध्य में किसी विशेष कार्य की बनने से मन में पूर्ण आशा नजर आ रही है मुझे। नौकरी में मन अनुकूल सफलता, कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण, रोजगार के सुंदर और मनोनुकूल साधन उपलब्ध होंगे, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग, घर परिवार का वातावरण सौहार्द से भरा रहेगा। इस वर्ष संतान को विशेष सफलता का आसार नजर आ रहे। संतान की शिक्षा को लेकर मनोनुकूल शिक्षण संस्थान और कॉलेज में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही 7 अप्रैल से 7 जून के बीच मंगलदेव वक्री होंगे, उस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना। लेकिन 11 अगस्त को बृहस्पति कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव और बृहस्पति का त्रिकादश संबंध आपके लिए लाभ का कारण बनेगा। मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी का अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। जहां एक जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वहीं कारोबार में सफलता मिलेगी। और शिक्षा के दृष्टिकोण से ये वर्ष विद्यार्थियों के लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। कहीं कहीं परेशानी है, लोगों ने आपको साढ़े साथी से डराया और ये पूरी गणना थी जो मैंने आपके सामने रखी।
तब भी कुछ सावधानियां हैं। आत्म अवलोकन आत्म विश्लेषण के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। निराशाजनक विचारधारा को अपने ऊपर हावी न होने दें। भागीदार सहकर्मी पार्टनर के प्रति सावधानी अपेक्षित है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऋण आदि से लेने से बचना बहुत जरूरी है। और पुनः एक बार याद कि साढ़े साथी से आपको भयभीत नहीं होना है, कुकर्मों से बचना है। दाम्पत्य जीवन के पवित्र रिश्तों की कदर करनी है मित्रों। ओम शाम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा आपका कल्याण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। 9 जनवरी 2016 शनि मौसिया महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के पूजन दर्शन तिलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है जिसे आपकी जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर। पधारी श्री शनि धाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 जनवरी 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नौ जनवरी शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से देवाधिदेव शनिदेव के दर्शन करने के लिए शनिधाम आने के लिए निःशुल्क बस की सुविधा है। आपको दर्शन के लिए लेके भी आएंगे और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ के जाएंगे। ये शनि भक्तों की सेवा है, इसका आनंद ले और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु KR मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। जी हाँ दर्शकों, 9 जनवरी 2016 शनि अमावस्या सबकी आपकी हमारी सबकी समस्याओं के शमन का दिन है। चलिए अब सीधा दाती जी महाराज के पास चलते हैं। गुरु जी, कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके बारे में भी कुछ बताएं, उनकी समस्याओं के हल करें, उनके आने वाले समय के बारे में बताइए कि 2016 उनके लिए किस प्रकार का होगा। जी महाराज जी। मेरे बेटा, मैं कुंभ और मीन की बात करूंगा, लेकिन बेटा मकर वाले भी तो मेरे ही है ना, भूल जाते हैं अपन मकर को। हैं, कुंभ और मीन की तो बात करना ही है, मकर को कैसे छोड़ सकता है राजा। बेटा पहले मकर की बात कर लेता हूं, फिर कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बात करूंगा। तो मकर राशि वालों, 2016 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मकर राशि वालों की जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2016 संपूर्ण सफलताओं से भरा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष उपलब्धियों से भरा रहेगा। इस वर्ष आपको अकस्मात हर क्षेत्र में मनो अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से वर्ष का पूर्वाभास मनो अनुकूल लाभ देगा। कार्य के नए अवसर प्राप्त होंगे। किए गए पूंजी निवेश मनो अनुकूल रहेंगे। 17 अप्रैल से लेकर 30 जून मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी है। इस दौरान कारोबार में परिवर्तन नहीं करें, मोटा पूंजी निवेश से बचें, साथी साझेदारी के कार्यों में सावधानी बरतें। बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखें, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें। सगे संबंधियों से धोखा मिल सकता है, शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन 30 जून के बाद पुनः व्यवसायिक प्रश्न में सुधार होगा। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, लेन देन के मसले निपटेंगे। यदि आप नौकरी में है, निश्चित ही इस समय आपको मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। नौकरी और कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, सरकारी समस्याओं का निवारण होगा। किए गए प्रयास सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे और नौकरी में विशेष सफलता मिलेगी। पुनः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मैं कह रहा हूं कि निवारण होगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले सुधरेंगे, आर्थिक लाभ के उत्तम योग नजर आ रहे और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को मन अनुकूल सफलता मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में मन अनुकूल परिणाम प्राप्त और परीक्षार्थी के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। तो हर दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए 2016 बड़ा शुभ। तब भी सावधानी क्या, दोहरा स्वभाव नुकसान का कारण बनेगा। जीवन साथी को कष्ट और माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। ध्यान रहे, वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी होगी। अपनों से बड़ों के साथ विवाद नहीं करें और कारोबार में साझेदारी के साथ आपसी मनमुटाव नहीं हो, इस बात का ध्यान रहे। कुंभ और मकर राशि की बात करूं उससे पहले पुनः एक बार शनिधाम आने का
आमंत्रण आपको दे देता हूं, बड़ी श्रद्धा से इस आमंत्रण को आप सुन लीजिए, फिर मैं कुंभ और मीन राशि की बात करूंगा और एक कॉलर का जवाब भी देना चाहूंगा, यदि कॉलर लाइन पे है। हम राशियों की बात कर रहे थे, इस वक्त अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन पिताजी महाराज आप हमेशा हमें संभाल लेते हैं, हमेशा हमारी गलतियों पर आप पर्दा नहीं डालते लेकिन हमें संभाल लेते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अगली राशि के बारे में हम आपसे जानेंगे कि आखिरकार जो मकर राशि है उनके बारे में जानेंगे 2016 कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो, भगवान शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद है। कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2016 खुशी और आनंद से भरा रहेगा। कारोबारी और पारिवारिक बहुत सी समस्याओं का निवारण होगा। बृहस्पति देव शनिदेव का वर्ष प्रारंभ में चतुर्दश संबंध और वर्ष के उत्तरार्ध में त्रेकादश संबंध संपूर्ण परेशानियों का स्वतः ही निर्णय कराएगा। बहुत अद्भुत समय है कुंभ राशि वालों, अनुकूल और लाभदायक व्यावसायिक परिवर्तन होंगे। नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से समय बड़ा शुभ रहेगा। किया गया पूंजी निवेश अनुकूल सिद्ध होगा और साझेदारी में लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक सामंजस्य और सहयोग और मनोनुकूल रहेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ और मंगल वर्ष 2016 रहेगा। विशेष रूप से नीम हकीमों से थोड़ा सा सावधान रहना। इस बीच गले संबंधी तकलीफ, अस्थमा, गठिया, कमर, थायराइड, आंखों की तकलीफ या फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी है तो थोड़ा सा सावधान। बाकी 2016 कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, कैरियर, शिक्षा, हर दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों बले 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 है। कोई टेंशन नहीं। फिर भी सावधानी क्या है, अपनों से आपसी मतभेद नहीं हो, शत्रुओं के प्रति सावधानी बरते। साथ ही प्रतिकूल स्थानांतर की संभावना है, इसलिए भयभीत नहीं रहना। नमोनाथ। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, सबसे बाद में नंबर आता है, कहते हैं दाती महाराज आप सब की, अब की बार कोई नियम बनाऊंगा, पहले वालों को पीछे लाऊंगा, पीछे वालों को आगे लाऊंगा, ऐसा जरूर करूंगा, मेरा मन है, क्योंकि मीन राशि वालों को बहुत बैठना पड़ता है। मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए 2016 शुभ और मंगलमय हो, भगवान शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मीन राशि वालों, वर्ष 2016 खुशियों की सौगात लेके आ रहा है, इस वर्ष भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है, सितारे सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। संपूर्ण विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार और पारिवारिक संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। परंतु 8 जनवरी से 9 मई 2016 के बीच अधिपति राशि अधिपति बृहस्पति वक्री भ्रमण करेंगे। उस दौरान संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा सावधानी चाहिए, और क्योंकि उस समय बृहस्पति छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, शत्रु पक्ष को कमजोर समझना ना समझी होगा। भूमि भवन वाहन खरीदते समय दस्तावेजों की जानकारी पूरी तरह से कर लेना चाहिए। वैसे देवाधिदेव शनिदेव नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, 30 जून को मंगल देवी मार्गी हो जाएंगे। ये समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। संतान को लेकर कोई विशेष सफलता हासिल होगी। शनिदेव, बृहस्पति देव, मंगल देव आपको आर्थिक परेशानियां नहीं आने देंगे। यदि आप नौकरी में है, 17 अप्रैल से 30 जून का समय थोड़ा सा सावधानी का है। 17 अप्रैल से 30 जून के बीच स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी, 30 जून के बाद पुनः आपको सफलता से भरा समय रहेगा। आपके द्वारा आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना होगी, सरकारी अफसरों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों की समाप्ति होगी और घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण बनेगा। खुशियों से भरा है 2016 मीन राशि वालों। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना भी और मेरा आशीर्वाद भी है, कहीं आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि भगवान और बृहस्पति देव और मंगल देव आपकी रक्षा साल भर करेंगे, तब भी कुछ सावधानी है। संतान पक्ष की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी। परिवार में किसी सदस्य को चोट लग सकती, इस पर भी लापरवाही नहीं बरते, और अनावश्यक खर्चे न बढ़े इस पर थोड़ी सी सावधानी बरते। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये 12 राशियों के लिए 2016 कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इस फकीर ने अपने दिल के भाव आपके सामने रखे। संपूर्ण राष्ट्र प्रभु जनों को मेरी प्रार्थना, मेरी करबद्ध निवेदन कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, एक प्रयास करता हूं, आपको खुशियां देने आता हूं। ग्रहगोचर की घटना के आधार पर जितना जानता हूं, हृदय के भाव, हिये के भाव बांटना, हृदय नहीं कह रहा हूं, हिया कह रहा हूं, क्योंकि हिये का मतलब बहुत ही दिल से, अंदर की बात कर, दिल से बांटना आता हूं। तभी भी मेरे से कोई गलती, कोई गुनाह, कोई भूल, कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं।
सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके साथ में है, क्योंकि मैं विवादों में नहीं पड़ता, छोटा सा आदमी हूं, अपनी छोटी सी यात्रा में इस राष्ट्र की सेवा में निकला हूं, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरूं, ये दिल की लालसा है और शनि भगवान से प्रार्थना है। पुनः राष्ट्र को 2016 की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि मैं नववर्ष नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार बहुत करता हूं, मैं सबका आदर करता हूं। ये मत कहिएगा कि मैं आदर नहीं करता हूं, सभी सभी का आदर करता हूं, लेकिन सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं। नववर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों से होगा, तब मैं नववर्ष कहूंगा, लेकिन क्योंकि हम ग्लोबल में जी रहे, सारा संसार अब जुड़ते जा रहा है, तो 2015 जा रहा है, 2016 आ रहा है, तो 2016 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आप आनंदित जीवन जिए, इस राष्ट्र को आप आगे बढ़ाए। मेरा प्रभु से नतमस्तक, प्रभु से प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपको। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मित्रों 28 साल लगा हूं, 28 साल से लगा हूं, क्योंकि देखो सिद्धों की दुनिया में रहा हूं, बीज मंत्रों के साथ रात दिन रहा हूं, देवाधिदेव शनिदेव से अपार मैंने प्रार्थना की, हे दाती शनिधाम में आने वाला हर व्यक्ति अपनी मन की मुरादें पूरी करे, चाहे फिर रोग हो, चाहे व्यापार हो, कारोबार हो, शादी हो, संतान हो, शिक्षा हो, कोई भी सफल समस्या हो, उस समस्या का समाधान मिल जाए, तो वो अभिमंत्रित जब आपको हर शनिवार शनिधाम में मिलेगा और आपका कल्याण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आपको लाने और ले जाने की निःशुल्क बस सुविधा है, और आप लोगों के स्टेटस को देखते हुए रखा मैंने, हाँ बहुत सुंदर, मैंने किया मंगलम वालों से कहा रहे भाई शनि भगवान के भक्त आ रहे हैं, उनके लिए सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए सुंदर निःशुल्क बस सुविधा है। आप सभी लोग पधारे श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और आपका स्वागत होगा। मैदाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस पावन पर्व पर आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं, कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, अपराध हो गया, क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज, मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे आराध्य देव आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने सभी राशि के जातकों को बताया कि उनका आने वाला समय कैसा होगा, साल 2000 कैसा होगा, आपने सभी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। एक बार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और दर्शकों शनि अमावस्या 9 जनवरी 2016 को है, ये आपके जीवन का स्वर्णिम उत्सव है। 9 जनवरी 2016 शनि अमावस्या श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी जरूर पधारिए, देवातिदेव श्री शनिदेव के दर्शन कीजिए, तेलाभिषेक कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए, महाआरती का हिस्सा बनिए, अनुष्ठान का हिस्सा बनिए, दाती जी महाराज के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाइए, ताकि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाए, सभी कष्टों का निवारण हो जाए। और धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए देखिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। हरि शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से संपूर्ण शनि भक्तों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध है लाने और ले जाने के लिए, इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरे और जो शनि धाम की बस सेवा है उसका प्रयोग करें। नमो नारायण। 9 जनवरी सन 2016 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के पूजन, दर्शन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 28 वर्षों की तपस्या का जो फल है जिससे आपके जीवन की पीड़ा और कष्ट दूर हो, पधारी श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए शनि भगवान के दर्शन। मैं दाती महाराज पुनः अपने आराध्य के इस अद्भुत दिन के लिए संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर।
कि 9 जनवरी प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क बस सुविधा होगी शनि भक्तों की ओर। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आपको संपूर्ण सुविधा श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में ले आने के लिए। आप सभी एनसीआर के सभी लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बस पकड़कर शनि धाम आ सकते हैं, दर्शन करके पुनः जा सकते। यह निःशुल्क बस सेवा समस्त शनि भक्तों हेतु के आर मंगलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है।